नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। सेना जम्मू कश्मीर में जब भी आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करती है तो सिर्फ और सिर्फ जमीन से करती है और इससे काफी समय लग जाता है, कभी कभी तो एक दिन से ज्यादा लग जाते हैं। ऐसे में सेना को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही साथ सिविलियंस को भी भारी नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि जब ऑपरेशन होता है तो हर जगह नाकेबंदी की जाती है और लोगों को हटाया जाता है या उनको घरों में कैद कर दिया जाता है। इससे सिविलियंस की जिंदगी एक आतंकी से कम नहीं रह जाती और इससे सेना की कार्रवाई भी बाधित होती है और सेना पर भी सवाल उठते हैं। लेकिन अब सेना की मुश्किल दूर हो गई है और इसी को लेकर सेना और सरकार चिंतित थी और इसी को लेकर सरकार ने अब निगरानी रखने के लिए UAV यानी कि अनमैनड व्हीकल के लिए पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। आज हम आपको अपनी रिपोर्ट में बताएंगे कि UAV होता क्या है और इससे आतंकी को कितना नुकसान होगा और सेना को कितना फायदा होगा। UAV एक मानव रहित विमान है। UAV का इस्तेमाल खुफिया सूचना जुटाने के लिए किया जाएगा। ड्रोन को ही UAV कहते हैं। UAV विमान को घने जंगलों में लगाया जा सकता है, जिससे दुश्मन के बारे में अधिक जानकारी मिल सकती है। इससे नक्सलियों पर भी लगाम लगाई जा सकती है। क्यू सीरीज के नए UAV A400 एंड जेनेसिस और रक्षक बोर्ड नेत्रा बोर्ड मल्टी रोटर UAV समेत कुछ नए UAV पर काम किया जा सकता है। सरकार और रक्षा मंत्रालय का मानना है कि नए मॉडल के UAV सुरक्षा एजेंसियों की ऑपरेशन जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होगी। इसके जरिए नक्सल प्रभावित इलाकों और घने जंगलों जैसे इलाकों में चल रही खतरनाक गतिविधियों की जानकारी जुटाई जा सकती है। इसका प्रयोग खुफिया जानकारी जुटाने में ज्यादा बेहतर तरीके से किया जा सकता है और दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा। इन अत्यधिक आधुनिक हथियारों का फील्ड ट्रैक किया जा रहा है। सूत्रों के माने तो रक्षा मंत्रालय का कहना है कि उपकरण हर फील्ड में काम कर सकता है और इसका प्रयोग सेना और NSG भी कर सकती है और इसका प्रयोग राज्य सरकार भी अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकती है। यहाँ पर आपको एक बात बता दें कि मौजूदा दौर में आतंकी अपने लड़ने के तरीके में काफी फेरबदल कर चुके हैं और इसे जानने के लिए UAV फायदेमंद रहेगा। यहाँ पर एक जानकारी देते चले कि काफी साल पहले भारत सरकार ने इसराइल से रेकी और सर्विलांस के लिए ड्रोन खरीदा था। वही इस साल सरकार 50 हरोप ड्रोन खरीदने के लिए ऑर्डर दे चुकी है। इसके अलावा DRDO अपना UAV विकसित करने में जुटा है। DRDO जो ड्रोन या UAV विकसित कर रहा है वो 200 किलोमीटर तक दुश्मन की थाह ले सकता है। इसके साथ ही साथ 6000 से 7000 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। इसमें मेल UAV शामिल है। इसकी खासियत है 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, 3000 फीट की ऊंचाई और 300 किलोमीटर की रेंज। वहीं दूसरी तरफ जिस UAV का रिसर्च चल रहा है उसका नाम है हॉल। इसकी खासियत यह है कि ये 200 किलोमीटर की रफ्तार से 3000 फीट की ऊंचाई तक 1000 की रेंज को कवर कर सकता है। इस वक्त भारत के पास 100 इजरायली हरोप ड्रोन है, जिसकी मदद से न केवल सुरक्षा बल्कि निगरानी भी की जाती है। लेकिन अब देखना होगा कि अब स्वदेशी UAV आता है तो क्या होता है। लेकिन जो होगा वो ठीक ही होगा और दुश्मन जरूर कांप उठेगा।